कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या ये कैसे काम करता है तो बेसिकली ये कंसिस्ट होता है दो प्लेट्स के ऊपर यहाँ पे आपको दो प्लेट्स नजर आ रही हैं ठीक है ये जो ऊपर वाली प्लेट है ये रॉड के साथ कनेक्टेड है जबकि नीचे वाली जो है किसी भी सपोर्ट के साथ फिक्स है ये मूवेबल नहीं है जबकि एक जो है वो रॉड के साथ जो कनेक्टेड है अह प्लेट वो <coughs> वो मूवेबल है और उसकी जो डायरेक्शन है जैसे वो मूव करेगी वो रोटेटरी है तो हमारे पास दो प्लेट्स हैं यहाँ पे तो अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक मीटर्स के अंदर हमारे पास आ, रीडिंग कैसे आती है और वो कैसे काम करता है तो तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि दोनों प्लेट्स को यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं दोनों प्लेट्स पे तो जैसे कि आपको पता है कि अगर हम आ, किसी प्लेट को जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसके ऊपर तो वहां पे चार्जेस एकोमलेट होंगे अगर तो आपको ये नहीं पता कि जब हम प्लेट्स के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो चार्ज कैसे उनके ऊपर जमा होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाए वहाँ पे आपको लिंक पे एक वीडियो मिलेगी आप उसके ऊपर क्लिक करें तो उसमें एक्सप्लेन हुआ, हुआ कि वोल्टेज जब भी हम कन्डक्टर्स के साथ या प्लेट्स के साथ कंडक्टिंग प्लेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो चार्ज कैसे एकोमलेट होता है तो यहाँ पे हमने क्या किया कि दो प्लेट्स हैं दोनों एक प्लेट को एक पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया दूसरे को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया और यही वोल्टेज हमने मयर करनी है तो यही वोल्टेज की रीडिंग हमारे पास आएगी तो वो कैसे आएगी अभी देखते हैं तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया एक प्लेट आपके पास पास फिक्स है 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 दूसरी जो है वो मूवेबल तो हमारे वोल्टेज कनेक्ट करने से क्या होगा कि दोनों प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक के ऊपर पॉजिटिव आएगा एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा दोनों प्लेट के ऊपर चार्जेस आएंगे जैसा कि आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज हमारे पास जो होता है वो क्या होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स है मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है इस डायरेक्शन में

और ये क्योंकि माइनस क्यू जो प्लेट है जिसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है ये ये जो है ये क्या है ये यहाँ पे फिक्स है ये मूव नहीं करेगी जबकि पॉजिटिव प्लेट जो है वो मूव करेगी क्योंकि आपके पास जो आ, फोर्स होगी वो स्ट्रेक्शन में अप्लाई होगी जो लाइंस हैं पॉजिटिव से निकल के इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप ड्रा करें दोनों प्लेट्स के दरमियान तो वो इस तरह ड्रा होगा और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट नहीं है तो इसकी वजह से ये जो है यहाँ पे ये जो प्लेट है प्लस क्यू ये इस साइड मूव करेगी तो इस जो ये जिस रॉड के साथ कनेक्टेड है वो रॉड मूव करेगा और वो रॉड हमने क्या किया एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है और स्प्रिंट स्प्रिंग जो है वो आगे से हमने एक नीडल के साथ कनेक्ट किया फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक नीडल है तो ये नीडल असल में क्या कर रही है ये नीडल यहाँ पे आपके पास कोई भी मीटर है उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है फिफ्टी के वी हंड्रेड 200 200 या फिर 50 volt, uh, 200 volt. तो प्लेट तो तो ये ये इधर करेगी उतनी ही हमारे हमारे पास पास आएगी, हम इस को ऐसे ऐसे करेंगे कि आए, असल में वोल्ट -मीटर ऐसे काम कर रहा है तो हम voltage कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्लेट जो है यहाँ से ये वाली प्लेट रोटेटरी uh, डायरेक्शन में ठीक है सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है ये भी मूव कर रहा है और स्प्रिंग मूव कर रहा है और स्प्रिंग के साथ हमें एक रेड की एक नीडल जो डिफ्लेक्शन शो करेगी तो जब हमारे पास डिफ्लेक्शन आ जा जाए तो हमारे पास रीडिंग आ जाती है तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा मैथमेटिकल देखते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो है वो टार्क जो है क्योंकि यहाँ पे टार्क प्रोड्यूस हो रही है तो टार्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के ठीक है वो कैसे है अभी देखते हैं हम इट जैसे, जैसे कि अभी मैंने पहले एक्सप्लेन किया जब दो आ, प्लेट्स हैं आपके पास कंडक्टिंग प्लेट्स एक के चार्ज आ जाता है तो वो क्या बन जाता है जिसके तो ऊपर हम कैपेसिटर जैसे कि आपको पता है टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के स्क्वायर के वो कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के स्क्वायर के क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यू जो है कैपेसिटेंस वो कांस्टेंट है और यहाँ पे वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के तो इस चार्ज के स्क्वायर को हम रिप्लेस uh, कर uh, कर देते हैं वी से तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो जैसे कि आपको पता है कि ये फोर्स जो है यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपको दोनों प्लेट्स आपस में इक्वल एरिया है तो दोनों पे चार्ज सेम होगा तो एफिकल केन क्यू टू डिड बाई आर स्क्वेयर में अगर आप क्यू की दोनों की वैल्यू डालें तो क्यू साथ मल्टीप्लाई हो गया क्यू स्क् हो जाएगा बाकी के और आ, आर जो है प्लेट्स वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है ये वाला डिस्टेंस ठीक है जो पैरल डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है तो हमारे पास फोर्स डिपेंड कर रही है किस पे डिपेंड कर रही है चार्जेस पे जो जो चार्ज इंक्रीज होगा तो हमारे पास फोर्स भी इंक्रीज होगी तो क्यू स्क्र पर डिपेंड कर रही है क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है एफिसिकलू के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाई होकर क्यू हो जाएंगे तो टार्क जो है या अभी आपको पता है मैकेनिकल फॉर्मूला से डायरेक्टली फोर्स होती है तो टार्क हमारे पास यहां पे v कि ये कि है, तो, तो यहां पे q जो है, वो है c constant, उसको हम नहीं देख ले, तो, तो, तो डायरेक्टली हम चार्ज की जगह लिख सकते हैं हुँणा के, हुँणा, जैसे हुणा, हुणा से आपको पता है, कि एंगल होता है ये वो एंगल है जो एंग जिस एंगल से ये प्लेट मूव करेगी तो वही हमारे पास डिफ्लेक्शन भी वही एंगल सेम एंगल हमारे पास आएगा तो यहाँ पे जो टार्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के कांस्टेंट है कांस्टेंट है, और हमारे पास ये टार्क जो है वो डरेक्ट्री प्रपोर्शनल जो स्प्रिंग के ऊपर अप्लाई हो रहा है वो एंगल के

Uh, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ख्याल रखना पड़ता है कि क्योंकि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा हम इलेक्ट्रिक फील्ड रखें राइट साइड पे नजर आ रहा है <coughs> तो उसी तरह वही कॉन्सेप्ट जो अभी हमने एक्सप्लेन किया पिछली स्लाइड में वही उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम दो प्लेट्स यूज करेंगे जहां पे एम और एफ एफ जो है वो फिक्स प्लेट है एम जो है वो माउंटिंग प्लेट है जो रोटेट हो सकती है उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पे क्या होगा कि ये प्लेट मूव होगी और इस प्लेट के पीछे जो है 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 एक एक स्प्रिंग की जगह थ्रेड कनेक्टेड उसके क्रॉस काउंटर वेट ही प्लेट मूव होगी उसी फॉर्मूला को, को यूज करते हुए ये भी हमारे पास यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगी जो हमारे पास रीडिंग देगी हाई वोल्टेज में ये बाकी जो डिवाइसेस हैं ये हाई वोल्टेज के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे कनेक्टेड हैं <coughs> द मूविंग इलेक्ट्रोड यहाँ पे फिक्स कार्ड आपको नजर आ रहे हैं फिक्स कार्ड रिंग्स हैं ठीक है थीके? तो रिंग पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म एक कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं जिसकी वजह से हमने यहाँ पे गॉड रिंग्स यूज यूज किए आपको पता है रिंग्स करने से हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्ट हो जाएगा तो हमारे पास रीडिंग जो है वो एकट आएंगी <laughs> तो इसमें एक और थ्यूरी ये है कि अगर हम डिस्क का डायमीटर इंक्रीज कर दें डायमीटर अगर हम इंक्रीज कर दें और गैप डिस्टेंस को हम इन इस जो गैप डिस्टेंस आप इन दोनों प्लेट्स के नजर कम रखें तो हमारे पास रिजल्ट्स जो है वो ज्यादा एक्यूरेट आएंगे